हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे चना दाल का नमकीन। इसके लिए मैंने लिए है चना दाल। एक बाउल लेंगे हम, उसमें हम ये चना दाल ऐड करेंगे। एक कटोरी दाल लिया हमने, इसमें हम ये पानी डालेंगे और दाल को हमें भिगोना है फ्रेंड। हमें 6 से 7 घंटे तक हमें दाल को भिगोना है। इसमें हम चुटकी भर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे ताकि दाल अच्छे से खाने में सॉफ्ट बने। इसके लिए हमें ये बेकिंग सोडा डालना जरूरी है फ्रेंड। 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ना है। हम 7 घंटे के बाद चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि दाल फुलकर डबल हो चुकी है। इसको हमें अच्छे से अब 3 पानी से धो लेना है। ये दाल को मैंने अच्छे से 3 पानी से धो लिया है फ्रेंड। ये मैंने कॉटन वाला कपड़ा लिया है, उसके ऊपर हम ये दाल को बिछा देंगे और अच्छे से हमें दाल को सुखाना है फ्रेंड। 10 मिनट के लिए इसे हमें छोड़ देना है सूखने के लिए। आप चाहे तो फैन के नीचे भी रख सकते हैं। 10 मिनट के बाद दाल को चेक कर लेते हैं। ये दाल हमारी पूरी सूख चुकी है। ये दाल को हम फ्राई करेंगे फ्रेंड। ये मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें हम ये स्टील की छन्नी रखेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें दाल ऐड करना है और फ्राई करना है। ये दाल को हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक ऐसे अलट पलट के फ्राई करना है। सावधानी से फ्रेंड काम करें, तेल वाला काम आप जब भी फ्राई करते हैं तो सावधानी से करें। ये दाल हमारी क्रिस्पी हो चुकी है। आपको इसकी छन छन की आवाज़ सुना देती है। हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरा बेज भी हम वैसे ही फ्राई करेंगे पलट पलट के। सब दाल हमारी फ्राई हो चुकी है। इसको हम एक प्लेट में ले लेते हैं। ये दाल में हम मसाला करेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये हमने काश्मीरी लाल मिर्च लिया था पहले, अब ये तीखा वाला लाल मिर्च ऐड करेंगे। जितना पाइप खाते हैं उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं फ्रेंड। स्वाद अनुसार हम नमक ऐड करेंगे। खट्टापन लाने के लिए हम आमचूर पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच। थोड़ा सा काला नमक भी ऐड करेंगे, ब्लैक सोल्ट। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर हम ऐड करेंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है तो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। एयरटाइट कंटेनर में भर के स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड, इसे कुछ नहीं होगा। फ्रेंड आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड।